नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? आप सभी के लिए आप जितना ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे हो, एक लगातार देखा जाए तो क्वेश्चंस के क्यों मेरे पास कलेक्ट होते चले जा रहे हैं और आपकी चिंताएं मुझे समझ में आ रही, जिसका जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हूँ। उससे पूर्व मैं आपको बता दूँ कि टीम परीक्षा प्लस PRT KVS PRT के लिए निःशुल्क बैच लेके आ रही है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में मैं सारी ही इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। थंबनेल में जो भी आपने देखा है वो बिल्कुल आपके लिए जानने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और जितने बच्चे हमसे लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं उन सभी का जवाब देना भी मेरा एक कर्तव्य है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे जो पूछ रहे हैं कि सर KVS का एग्जाम डेट कब होगा, तो बच्चों मैं पहले ये बोलूंगा कि आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि एग्जाम डेट कब होगा। अभी इस बात की चिंता करनी है कि हम तैयारी प्रारंभ कैसे करें, क्या करें, क्या पढ़ें और कैसे हमें सिलेक्शन लेना है। एक बात समझिएगा कि KVS किसी भी एग्जाम में जब वो नॉन टीचिंग पोस्ट का देता है तो वो विद इन वन मंथ, एक मंथ से मतलब ऐसा मान के चले 35 से 40 दिन में वो पेपर कराता है, और अगर वो टीचिंग का देता है तो मैक्सिमम 60 दिन का कराता है। तो हम फिर से लेके ये चलेंगे कि जो इस बार आपका KVS का एग्जाम जो PRT वाला होगा, टीचिंग एग्जाम जो होगा, PRT हो गया, TJT हो गया, PGT हो गया, इन सब का जो एग्जाम डेट है वो आपको 45 से 60 दिन मिलने वाले हैं। मतलब फरवरी का फर्स्ट वीक या फरवरी के सेकंड वीक मोस्ट एक्सपेक्टेड है, और ऐसी बात सुनाई भी दे रही है कि यहां तक ये पेपर करवा लेंगे, क्योंकि वर्ष 2023 जो होगा, अगर हम देखा जाए तो उससे आगे का वर्ष जो है वो चुनावी वर्ष रहेगा और उसमें वो कंप्लीट करा के नियुक्ति पत्र दे देंगे, और इसका वो कहीं ना कहीं ये पूरा सरकार पूरा शासन का ही सब पे कहीं रोल रहता है। तो इस बात को समझते हुए चलना कि 45 से 60 दिन का समय मिलने वाला है फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में। दूसरा प्रश्न आप सबसे ज्यादा पूछ रहे हो कि कौन नहीं कर पाएंगे आवेदन। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन होता है कि सर मैं कर पाऊंगे, मेरा सीटेट अभी मैंने एग्जाम दिया नहीं है, फॉर्म भर दिया है। फिर आप ये पूछते रहते हो सर मेरा बीएड नहीं है, बीएड का फाइनल ईयर है। मैं बता दूं बच्चों कि उसमें एलिजिबिलिटी साफ साफ क्या लिखा हुआ है, आप बाकी चीजों को छोड़ दो, साफ साफ लिखा है सीटेट क्वालिफाइड। क्या लिख रहा है? सीटेट क्वालिफाइड। तो जो सीटेट क्वालिफाइड हैं वो सारे ही बच्चे एग्जाम में बैठ सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ एक कंडीशन ये है कि ऐसे बच्चे जो सीटेट इस बार दे रहे हैं, अभी सीटेट की परीक्षा नहीं दी, वो तो सीटेट क्वालिफाइड नहीं है। तो पिछली बार भी यही हुआ था, इस बार भी यही हो रहा है कि अगर आपने सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर दिया है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तो उसका आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डाल के आप इसका फॉर्म भर सकते हो। लेकिन कंडीशन अभी भी ये है कि अगर आप जो परीक्षा आपकी सीटेट की होगी उसमें फेल हो जाते हो, उसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो फिर आप PRT में एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। ये बात भी क्लियर है। अगर एग्जाम दे आए तो हो सकता है कि भाई सीटेट का एग्जाम बाद में, उसका रिजल्ट बाद में, लेकिन पेपर तो आपका फरवरी में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, एग्जाम में नहीं, एग्जाम में बैठने को मिलेगा, नो डाउट। फॉर्म भर दिया है आपने, फॉर्म का पैसा दिया, कोई आपको ये नहीं रोकेगा कि आपने एग्जाम में नहीं बैठना है, वो तो आप बैठ सकते हो। लेकिन आप अगर चयनित भी हो जाओगे, आपका नंबर भी आ जाएगा, तो फाइनल DB में बाहर हो जाओगे, फाइनल चयन आपका नहीं होगा अगर आप उस एग्जाम के डेट के पहले क्या कर लोगे, सीटेट क्वालिफाई नहीं रहोगे तब। ये बात क्लियर समझिएगा। तो सीटेट के जो फॉर्म अप्लाई कर दिए केवल रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे, वो क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जब सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब उस DB डेट से पहले, जब आपकी DB होगी उससे पहले आपकी सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। बाकी आप चाहे BEd हो, स्पेशल BEd हो, या फिर आपका DLED हो, 2 साल का डिप्लोमा हो, कुछ भी हो, सभी अप्लाई कर सकते हैं नोटिफिकेशन में। अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट जो पेपर का उसमें रोजगार में निकला था उसमें यही बताया गया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देता, तो अगर वो ऐसा ना लेना होता तो वो लाइन ही ना लिखता, स्ट्रिक्टली लिखता, या फिर उसे अगर बहुत क्लियर ना होता तो वो लाइन डालने की जरूरत ही नहीं थी। अगर उसने अलाउ कर दिया है तो इसका मतलब सब कुछ तय है, ये भी पता है कि ऑर्डर क्या आना है, बीएड वालों के फेवर में आना है, बीएड वाले में कहीं बाहर नहीं होंगे, आराम से PRT दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय वही रहेगा, इसके लिए परेशान मत होइए। इसलिए आराम से बीएड वाले फॉर्म भरो और अपनी तैयारी भी करो, उसके लिए बाद में पछताने वाला काम मत करो। टीम परीक्षा प्लस ऑलरेडी पूरा निःशुल्क बैच लेके आ रही है,
तो ये सभी जानकारी मैं उसकी भी दूंगा, आगे भी उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप तैयारी में कह रहा हूं, नहीं आप कहीं से जुड़ो, नहीं आप कहीं पे पैसा दो, जब उससे ज्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, उससे ज्यादा तैयारी, मैं इतनी गारंटी ले रहा हूं, कोई जितना पैसा 2,000-3,000 रुपए लेके तैयारी नहीं करा पाएगा। मैं निःशुल्क में उससे ज्यादा अच्छा अगर नहीं पढ़ा दिया, आप 8 तारीख से क्लास प्रारंभ हो जाएगी, आप केवल 2 दिन क्लास लीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आए आप चैनल अनसब्सक्राइब करके 20 लोगों से और अनसब्सक्राइब करवा दीजिएगा, इस बात की गारंटी ले रहा हूं, बाकी आप लोग समझदार हो। कोविड के चलते उम्र छूट, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे कि सर कोविड के चलते उम्र छूट मिलेगी? नहीं बच्चों, इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी केवीएस की वैकेंसीज में जो महिलाएं होती हैं उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज होती है, 10 साल एक्स्ट्रा छूट मिलता है, और उसके चलते ये कोविड को कंसीडर नहीं करेंगे, इसमें महिलाओं के चलते पुरुषों का नुकसान होता है। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे परीक्षाएं नहीं देती हैं, बहुत सारे आयोग नहीं देते हैं, कोई ये नया नहीं है, तो कोविड के चलते अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है, नोटिफिकेशन में क्या दे रहे हैं बात अलग है, बट 99% चांस ये है कि कोविड के चलते कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। बाकी जो महिलाएं होती हैं उनको गर्ल्स के लिए है ना, गर्ल्स के लिए क्या होता है, 10 ईयर्स का एक्स्ट्रा होता है, जैसे पीआरटी वगैरह हो गया इसमें 30 साल का होता है, तो जनरल की लड़कियां 30+10, अगर गर्ल्स है तो उसकी 40 साल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम टीजीटी पीजीटी का देखें, टीजीटी का देखें तो यहां पे 35 साल होता है, तो ये इनका 45 साल तक दे सकते हैं, पीजीटी में देख लो 40 होता है तो इनका क्या हो जाएगा, ऐसे 50, मतलब जो आपका मेन होता है, और बाकी जो एज रिलैक्सेशन होता है उनका तो होता ही है, तो 10 साल गर्ल्स के लिए क्या है, 10 साल इनके लिए एज रिलैक्सेशन है, केवल गर्ल्स के लिए, ये ध्यान दीजिएगा, महिलाओं के लिए 10 साल है प्लस 10 साल एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है, ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी बना देता है, तो कोविड के चलते नहीं चलेगा, लड़कियों को मिलेगा। तीसरा है, बच्चे पूछे 82 नंबर वाले नहीं कर पाएंगे, सर मेरा 82 नंबर है, मैं आवेदन कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? देखो उसने क्या बोला है कि सीटेड क्वालिफाइड, अब अगर आप जनरल में हो, 90 नंबर या 90 से ऊपर पाए हो तो सीटेड क्वालिफाइड हो, इसका मतलब आप भर सकते हो, और अगर आप ओबीसी से हो या किसी अन्य कैटेगरी से हो, 82 नंबर है, 82 में अगर आपके मार्कशीट में क्या लिख के आया है सीटेट में, क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड, अगर क्वालिफाइड लिख के आ रहा है आप 82 नंबर पाओ, 81 पे तो क्वालिफाइड ही नहीं होगे, 83 पाओ, 85 पाओ, 100 पाओ, 150 पाओ, उससे मतलब नहीं है, वो क्वालिफाइड शब्द लिखा होना चाहिए, नंबर यहां पे मैटर नहीं करता है, तो 82 नंबर वाले भी फॉर्म भर पाएंगे, उसके लिए आप पैनिक मत हो। महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, पहली बात तो एज रिलैक्सेशन है, दूसरी बात इसमें जैसे आप यूपी टेट में सुपर टेट वगैरह देते हो तो वो पेपर थोड़ा टफ पड़ता है, केबीएस में पहली बात तो वैकेंसी भी कम नहीं है, 6400 वैकेंसी बहुत ज्यादा वैकेंसी होती है, उसके बाद इसमें समग्र रूप से सब पूछता है थोड़ा थोड़ा, और सबसे अच्छी बात है मैं आपको एक हिंट दूंगा, अगर आपको एनसीआर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपके लिए जो सबसे बेहतर किताब हो सकती है वो एनसीईआरटी हो सकती है, एनसीईआरटी किससे 6 से लेकर 10 तक। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे खुद से रट डालो, नहीं, हो सकता है कि आप इसे कंज्यूम ना कर पाओ, मैं ये समझता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद एनसीईआरटी के लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, या बहुत दिन हो गई होती है पढ़ाई छोड़े हुए, या उस समय जब 6th से 10th पढ़ रहे थे तब इतना तेज नहीं थे पढ़ने में, या इतना सीरियस नहीं थे, घर का माहौल नहीं था, अब उसे पढ़ने में थोड़ा डर लगता है, तो उसके घबराने की जरूरत नहीं है, जो आपकी फ्री क्लासेस चलेंगी वो पूरी क्लासेस एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए चलेंगी, एक ये होता है और एक आपका इग्नू का मटेरियल होता है, ठीक है ना, कुछ और इग्नू का मटेरियल सबके नहीं, केवल टीचिंग मेथोडोलॉजी, ये जो पार्ट होता है इसके लिए सबसे अच्छा जो है ये मटेरियल है, इससे पूरा आपको नोट्स निकाल के बहुत अच्छी तरीके से क्लास नोट्स सब कुछ आपको दिया जाएगा, बाकी जो क्लासेस होंगी आपके इस बेसिस पे होंगी, और मैथ्स और साइंस इतने बेसिस, मैथ्स हो गया आपका, साइंस हो गया आपका, उसके बाद आपका जो पॉलिटी वाला पार्ट है, ईवीएस वाले पार्ट में पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये वाला पार्ट अगर इतना पार्ट देखा जाए तो ये स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलोड है, थोड़ा बहुत मैथ में ऊपर नीचे करता है, अच्छे क्वेश्चन पूछता है, बट ये है इसी पे, और इसको मिला के ले लिया जाए तो करीबन 40 से इन सबको मिला जाए 40 से 50% पेपर आपका हो जाएगा, मतलब 150 क्वेश्चन में अगर आपका देखा जाए तो 75 से 80 क्वेश्चन केवल आप इतना पढ़ के ला सकते हो, और अगर 120-125 नंबर 150 में आ जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपका इंटरव्यू भी होता है और एक रेशियो में होता है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं सर 85-15 वाला रेशियो रहेगा या 70-30 वाला रहेगा, अभी 85-15 वाला ही है, इसके
बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी क्लियर, तो उसके लेके मैं आपके पास जरूर आऊंगा और बताऊंगा। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास कोई भी प्रश्न हो बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, आपके एक एक प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूं। उससे पहले आप ये देख लो कि केवीएस पीआरटी की टीम परीक्षा प्लस बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग करा रही है, कहीं आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको ये लगेगा कि ये संस्था अच्छा पढ़ा रही है, आप यकीन मानिए आपको कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं कोर्स खरीदूंगा, मैं देखूंगा वो क्या पढ़ा रहे हैं और मैं उनसे अच्छा आपको यहाँ पे जितनी भी फैकल्टी है आपको बता दूं, इस पूरे क्लास में कम से कम 8+ फैकल्टी आपके लिए यहाँ पे आने वाले हैं, 8+ टीचर और सारे ही अपने आप में, मैं खुद बता दूं मैथ्स और साइंस मैं खुद देखूंगा, बीटेक एमटेक मैं खुद हूं और सारी चीजें छोड़ के उसके बाद आपको यहां पे मैं पढ़ाने आया हूं, सारी जॉब छोड़ के। आपके आशीष सर हैं, वो आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, कंप्यूटर पढ़ाएंगे, अन्य विषय पढ़ाएंगे, एमसीक्यूज कराएंगे, खुद एमटेक हैं, बाकी जितने भी हमारे हैं ऑलरेडी कहीं कोई पीसीएस मेंस लिख रहा है, कोई इंटरव्यू देख रहा है, कोई ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इंग्लिश वाले सर ऑलरेडी आईबी सिलेक्टेड है, तो सारे ही चयनित लोगों के जो मार्गदर्शन में आपकी तैयारी होनी है, बहुत बेहतरीन। और एक बात आप समझना, जब हम पब्लिकली कोई चीज फ्री कराने की बात करते हैं तो हमारी गंभीरता और बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा पब्लिक देख रहा होता है, सारी दुनिया देख रही होती है कि अगर यहाँ पे ये गलत किए तो उसमें थू-थू हो जाएगा, ये बात हमें भी पता है। तो उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, कितना भी कोई कर लेगा उससे कहीं ज्यादा बेहतर आपका कंटेंट रहेगा, कहीं ज्यादा बेहतर आपका रहेगा। 8 दिसंबर से ये क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी, बस इतना आपको पेशेंस बना लीजिए, उसके बीच में सारी चीजें मैं समझाऊंगा, एक अलग से वीडियो भी लेके आऊंगा, कैसे कोर्स चलेगी, कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा, क्या टाइमिंग होगी, सब कुछ आपको बताया जाएगा। उसके लिए निश्चिंत रहिए, बस आपका अभी काम ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद जरूर आए हैं तो आप कमेंट में थम्स अप लाइक करके कमेंट में यस या नो जरूर बोलिए। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।